वेलकम बैक टू मॉड्यूल टू विच इज वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आंटरप्रनशिप लास्टली हमने डिस्कस किया था कि इसका बैकग्राउंड है क्या मैंने इसको पार्शली तीन चीजों के अंदर डिवाइड किया उस डिवीजन के अंदर हम देखें कि जब से ये इसका कॉन्टेक्ट शुरू हुआ है उसमें से ये तीन चीजों पर थी जैसे मैनेजमेंट को मैं चार चीजों की डायरेवेशन समझता हूँ यानी अपने आप में मैनेजमेंट कुछ नहीं थी लेकिन इन तीन चीज़ों के बाद अगर आप देखें आंट्रप्रन के मुताबिक ये कहता है कि ये फ्यूजन जो है ये फ्यूजन ऑफ कैपिटलिस्ट जो है ये क्रिएशन ऑफ समथिंग से आया यानी जब तक कोई क्रिएशन नहीं है और उसके साथ प्लस फ्यूजन ऑफ कैपिटल नहीं है तो आपका आउटकम नहीं आएगा अच्छा ये तीनों चीजें कहाँ से ड्राइव होती हैं एक तो ये कि जब वो ख्याल से एक नई चीज़ को पैदा करता है तो उसको साइकोलॉजिकल आइडिया तो जरूर कहेंगे फिर एक कल्चर का ख्याल रखता है मसलन मैकडोनल्ड के अंदर जो है अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वहां पर गोश्त खाने वाले लोग कम हैं तो आलू की पैटीज को बर्गर्स में डाला गया एक नई इनोवेशन थी सब्जी से कुछ मिलती जुलती चीजों को बर्गर्स एचिट्यूड बिहेवियर रिलीजन के और उनके बिलीफ सिस्टम को देखते हुए बनाया गया इसका मतलब है कि बिलीफ सिस्टम और नॉर्म्स रिलीजन भी उतने ही जरूरी हैं अच्छा तीसरी अहम बात जो मैंने आपको कहा कि हमने तकरीबन ग्यारह थे

वो बगैर कुछ देखे आइडिया ले लेता है क्या वो बगैर समझे किसी मार्केट में उतर जाता है या कि एक आइडिया लेकर आता है फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट थी जिसमें उस जमाने में आ, सिल्क नहीं बिका करती थी वो आदमी तुर्की से आया और तुर्की से आते हुए उसने कहा कि इसको सिल्क का नाम देते उसने अपनी लैंग्वेज में उसको लफ्ज केला सिल्क कह के दिया यानी इतना मुलायम सिल्क कि लोग उसे खरीदे एक नई टर्म क्वन की और उस मार्केट में जहाँ उसको जगह नहीं मिलती थी उस वक्त का सबसे बड़ा मार्केटर बन गया और उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया उसको सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कहने कहना शुरू कर दिया गया जिसको देरबा अंबानी भी कहते हैं फिर हम देखते हैं कि ये कौन लोग होते हैं यानी इस जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी इसको रिलेट कीजिए कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंडर होता है ऑन्ट्रप्रन्यशिप का मतलब ये चाहे वो पॉलिटिक्स में चाहे वो बिजनेस में चाहे वो ऑपरेशन में चाहे वो कॉस्ट कटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है चाहे वो मैनेजर है वो भी ऑंटरप्रनप्रनोर हो सकता है अगर वो कॉस्ट कटिंग करके सप्लाई चेन को बेहतर करता है इसका मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है नेक्स्ट में देखें कि नेचर ऑफ ऑन्टरप्रन जो है वो कौन सी तब्दीली के साथ होती है मैंने जैसे आपको कहा कि ऐसा आदमी जो कि फ्यूजन ऑफ कैपिटल के साथ रिस्क भी लेना जानता हो वो उसकी एक नेचर में है लेकिन उसका जो इंस्टिंक्ट है उसका बिहेवियर जो है उसकी तरतीब जो है, है यानी आदतें तब्दील हो सकती हैं तीन चीजें तब्दील नहीं हो सकती हैबिट्स चेंज हो सकती हैं तीन चीजें तब्दील नहीं हो सकती यानी आपका इंस्टेंट यानी खसलत फितरत जब अगर मैं इस खसलत फितरत फिलत यानी इंस्टेंट आपके करेक्टरिस्टिक्स और आपकी नेचर को देखूं तो ये तब्दील नहीं हो सकती लेकिन तीसरी चीज होती है वो आदत का तब्दील होना है अच्छा जब हम खसलत और तबीयत के अंदर आते हैं तो हमने तारीख में देखा कि एक स्टीव जॉब जो थे उसने एक पूरी दुनिया की और पूरे कायनात का स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया। इसको एक टच ने एक आईफोन ने, एक आई एप्पल ने एक पूरे को तब्दील करके रख दिया फिर इसका डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क चेंज होता है। अब हिस्टोरिकली मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन होते हैं इसका बैकग्राउंड देखते हैं आगे हम देखते हैं कि ये आया कहां से ये फ्रेंच वर्ड है जिसको और, और या अच्छा, इसका मतलब टू देता हूं कि जूते जो होते हैं वो आप देखते हैं कि दूसरा अगर एक नौ नंबर का है तो दूसरा भी नौ नंबर का ही होगा और उसका जो फ्रंट से लेकर बैक जो है वो भी बराबर में होगा लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं तो उसके अंदर जब इसको साइज करते हैं और इसको टेलर मेड करने की कोशिश करते हैं कुछ चंद so, इंच मतलब जब मैं इस डिजाइन पे आऊंगा तो मैं स्टैंडर्डाइज जूता नहीं पहन सकता मुझे टेलर मेड की तरफ जाना पड़ेगा सो so, इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेशन ऑफ आइडिया है एक नए तरीके को लेकर चला गया यानी टेलर मेड जूते अलग हो गए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और तरह से हो गए सो प्रोडक्ट इनोवेशन इसके अंदर मेन पार्ट हो गया अब जरा हम आगे देखते हैं तो रिचर्ड कैंटिलॉन जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आंट्रप्रनशिप को और इसके बाद मैं आपको तेजी से स्टेज ते लेके जाना चाहता हूं पहले यानी सत्रह के अंदर देखें आंट्रप्रनशिप जो है वो तब्दीली की तरफ आती है यानी वो कहती है गो बिटवीन और बिटवीन टेकर्स यानी आप कमोडिटी बन जाए या बी अ ब्रांड अच्छा मैं ब्रांड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मैं कमर्शियल या मार्केटिंग एक्सपेक्ट में नहीं कर रहा बिटवीन टेकर्स का मतलब ये है कि, कि किसी चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना अच्छा दूसरे में लेट सेवेंटीज के अंदर एक नया आइडिया आता है और वो कहता है कि आंट्रप्रन वो होता है जो रिस्क बेयर होता है अच्छा इस टर्म को आपने पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर आपने इस चीज को याद रखना है और इसको जहन नशीन रखना है कि वो आदमी जो आज भी आज के दौर में भी ये वैलिड है जो हर चीज को बेयर कर सकता है मसलन अगर बुरे दौर में भी तनख्वाएं लोगों की बेयर कर सकता है मटेरियल को बेयर कर सकता है चीजों को बेयर कर सकता है स्ट्रक्चर्स को चलते रहने देता है अपना पेट काट सकता है या अपने जहन के साथ चीजों को चलाते रहना देता है इसका मतलब है कि वो एंटरप्रेन्योर जो है वो बेयर रिस्क टेकर भी है और प्लानर भी है और फिर वो सुपरवाइज ऑर्गेनाइज कर सकता है और फिर उसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर भी उसका गौर उतना ही होता है नेक्स्ट जी जेन बैप्तिस्ट ये भी इकोनॉमिस्ट है जी मैंने आपको जैसे अर्ज की थी कि ये भी इकोनॉमिस्ट ही हैं अच्छा इसके बाद जो तीसरे अगर 1803 के बाद आइडियाज चेंज होने शुरू होते हैं और लेट 1800 के अंदर अगर मैं देखता हूं तो ये सप्लाईज की तरफ आ जाता है जो है वो चेंज होकर फंड्स एंड की तरफ आते हैं और प्रॉफिट मोटिव्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं फोर के अंदर अगैन जोसीटर इनके बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे और ये एक इनोवेटर है ये इनोवेशन को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं उस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को जिससे एक स्टैंडर्ड जो है वो चेंज होकर एक नया स्टैंडर्ड बनाता है मार्केट का नया बेंच मार्क बनाता है इसके बारे में हम मजीद बात करते रहेंगे फिर आते हैं मैनेजमेंट के गुरु जिसको पीटर ड्रकर कहते हैं और ये कहते हैं कि मैक्सिमाइज uh, जो आदमी भी ऑपरचुनिटी को मैक्सिमाइज कर जाएगा वो एंटरप्रेन्योर होता है और आखिरी में और लास्ट में इसके अंदर जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की डेफिनेशन है, है जिसको मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो ये कि एंटरप्रेन्योरियल कौन एंटरप्रेन्योर होता कौन है द वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स मनोपली नहीं ऑलिगोपली नहीं डुपली नहीं लोगों का माल नहीं खाएगा या लोगों को मार्केट में से शेयर उठाने की ना इजाजत नहीं देगा सो so, अब आप यह देखें कि वो क्या करता है प्रॉब्लम को फिक्स करता है टैप न्यू मार्केट नई नई मार्केट बनाता है फिर वो क्या करता है कटिंग एज आइडियाज ऑन द टेबल एक नए आइडियाज नई यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लाना नए आइडियाज को तेज तर करना स्पीड को फास्ट करना डिलीवरी को जल्दी देना और ये सारा कुछ मिला के उसके अंदर एक और चीज को यानी हर एरिया में हर लेवल पे तीन टेयर फंक्शनल सबसे पहले जो स्ट्रेटिक लेवल देन इज फंक्शनल एंड देन इज ऑपरेशनल उन तीनों टेयर को अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आमतौर पे कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर काम करता है तो उसका दिमाग जो नई इनोवेशन लेकर आता है प्रॉफिट मोटिव बताता है रिजल्ट बताता है आउटकम बताता है क्या इस दफा हमने करना क्या एंड देन वो दूसरे टेयर से लेकर आखिरी टेर तक अपने पूरी कमांड ऑफ एक्शन को बताता है कि मेरे साथ किस तरह चलोगे और मेरे साथ लॉयलिटी कैसे लेकर आओगे और हम स्किल्स कैसे इनहेंस करते रहेंगे इस मॉड्यूल की और इस तारीखी तौर पर अगर आप पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आंटरप्रनोर जो है ये बनना आसान काम नहीं है इसके लिए एक कंप्लीट लीडरशिप सेट ऑफ स्किल्स रिसोर्स मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शनल मैनेजमेंट और उससे आगे भी यानी कल्चर और एंथ्रोपोलॉजी ਵੀ ਉਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ